लो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.3। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी ट्रायंगल सिमिलर कब होता है। दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, मान लो ए बी सी। बी एफ, ये दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? ये दो ट्रायंगल सिमिलर उसी कंडीशन में होते हैं जब ये दोनों का ए एंगल ए इज इक्वल टू डी, एंगल बी इज इक्वल टू एफ, एंगल सी इज इक्वल टू ई। क्या होता है कंडीशन? एंगल ए इज इक्वल टू डी, एंगल बी इज इक्वल टू ई, एंगल सी इज इक्वल टू एफ। ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू ई और सी इज इक्वल टू एफ इक्वल हो तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलरिटी का ये नोटिस होता है, सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ से। कौन किस से? ए ए ए, सब में एंगल इक्वल है ना, इसमें भी इस ए से डी एंगल, बी से ई एंगल, सब में एंगल से ई एंगल, ई एंगल एंगल एंगल, थ्री एंगल इक्वल एक दूसरे के इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, एंगल एंगल सिमिलरिटी से यहाँ पर लिख लेंगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी से इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि एक और कंडीशन होता है साइड साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन डी हो जाए, BC अपॉन EF हो जाए और AC अपॉन DF हो। उस कंडीशन में भी होता है सिमिलर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF से। किससे? SSS, SS सिमिलरिटी। नेक्स्ट है हमारा, जब कोई भी एंगल ए बी डी से इक्वल हो, ए सी डी एफ कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो और जो एंगल इसे दोनों साइड के बीच में जो एंगल होता है और वे एंगल भी इक्वल हो तो उसको भी हम लोग सिमिलर बोलते हैं। जैसे देखो ए बी कॉरेस्पॉन्डिंग डी ई और एंगल ए और ए बी डी और डी ए सी और डी एफ, ए सी और डी एफ इक्वल हो और साथ में ए बी और डी और ए सी और डी एफ के साथ ही जो इसके इंक्लूडिंग जो बीच का जो एंगल है ए और डी ये भी इक्वल हो तो हम बोलते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ से। किस सिमिलरिटी से होता है ये? ए बी होता है एस ए एस सिमिलरिटी। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हमारे ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबल फॉर्म। क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक है पी क्यू आर। ठीक है,
अब इसमें ये है 60 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये भी 60, 80 और 40 डिग्री। इस क्या है पूछ रहा है कि सिमिलर है या नहीं। तो देखो एंगल ए एंगल बी दोनों 60 डिग्री है, एंगल बी एंगल क्यू दोनों 80 डिग्री है, एंगल सी और एंगल आर 40 डिग्री है। तो किससे हो गया ये, ए ए सिमिलरिटी से। ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर किससे, ए ए ए सिमिलरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड। ए बी सी ए बी सी 2, 3, 2.5 पी क्यू आर 6, 5, 4 इसमें क्या होगा समझो, इसमें कुछ समझ में आ रहा है। देखो इसको हम लोग इस तरह कर दें, जैसे पी क्यू दिया है उस तरह कर दें तो क्या समझ में आ रहा है। देखो ए बी, ए बी और क्यू आर लिख सकते हैं कितना है 2/4 और इसको इस तरह से घुमाएंगे तो जैसे कि ये है ना स्लैंट पे जो इस साइड में होना चाहिए ना ये, तो इसको इस तरह से घुमाएंगे अपोजिट में तो क्या हो जाएगा, और बी सी अपॉन पी आर कितना होगा 2.5/5 और ए सी अपॉन पी क्यू क्या होगा 3/6। तो सबका रेशियो कितना हो जा रहा है, सबका रेशियो 1/2 कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा तो 1/2 ये भी कट जाएगा तो 1/2 सब बराबर हो रहा है ना इसका रेशियो, इसलिए क्या होगा ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर से। क्यों, क्योंकि ए बी का रेशियो ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी क्यू, सबको अगर हमने डिवाइड किया तो सबका रेशियो सेम ही आ रहा है 1/2, 1/2, 1/2 सिमिलिट्री में ही होता है ना, साइड साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो, सबका 1/2 है तो सो क्या हो गया ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर से, एस 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 सिमिलरिटी, एस 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 सिमिलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि एल एल एम पी और डी ई डी ई एफ जिसमें एल एम है 2.7, एम पी है 2
और ये हो गया 3, 4, 6, 5। ये रेशियो हो रहा है, देखो ये नहीं होगा एलपी अपॉन डीएफ 3/6 1/2 हो गया। नेक्स्ट एमपी अपॉन ईएफ प्रोपोर्शनल हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, इक्वल नहीं हो रहा है, 1/2 हो गया, 2/5 आ गया, तो एक भी अगर नहीं हुआ तो नहीं है सिमिलर। सो ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ एंड एफ नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं हुआ ना, ये सिमिलर का साइन नहीं दिया। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4। फोर में क्या दिया हुआ है, फोर में दिया हुआ है एम एन एल, ये है 2.5 डिग्री, 2.5, ये है 70 डिग्री और ये 5। इधर दिया हुआ है पी क्यू आर, क्यू है 70 डिग्री, पी क्यू है 5 डिग्री और ये है 10 डिग्री। अब ये पूछ रहा है कि सिमिलर है या नहीं, तो समझ में आ रहा है, देखो पी क्यू समझ में नहीं होगा या नहीं। फोर्थ क्वेश्चन, ये है 2.5, देखो एम एन, एम एन अपॉन पी क्यू क्या हो जाएगा 2.5/5, सो कट करेंगे डेसिमल डाल देंगे नीचे जाएगा 0, तो 25/50 कट हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट एम एन ML और ये QR, ML अपॉन QR क्या हो जाएगा 5/10, इसका भी होगा 1/2 और इंक्लूडिंग 70 70, M और M एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, तो किस सिमिलरिटी से हो गया है ट्रायंगल M N L सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर, इससे एस ए एस सिमिलरिटी क्या हुआ, क्योंकि जब इसको डिवाइड किए तो सब 1/2 1/2 प्रोपोर्शनल में है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है और इंक्लूडिंग एंगल भी इक्वल है, तो एस ए सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th और 6th, ये हो गया आपका होमवर्क क्वेश्चन, सेम ऐसी है 5th और 6th होमवर्क। ठीक है, अब हम बनाते हैं क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है कि ओडी से ओबीआर सिमिलर ट्रायंगल, दो लाइन दिया हुआ है हमारा, इन फिगर दिया हुआ है 6.35, उसमें दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है जो कि इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, ओपी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये हो गया डीसी
और ये हो गया ए बी। एंगल डी के दिया हुआ है 70 डिग्री, ये दिया हुआ है 125 डिग्री, ठीक है। अब हमें बताना है 125 डिग्री, अब हमें क्या बोल दिया हुआ है कि ओडीसी सिमिलर है, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, ठीक है। ओडीसी ओबीई सिमिलर है तो क्या करें, हमें क्या बताना है, हमें फाइंड करना है। अब बीओसी हमारा दिया हुआ है बीओसी 125 डिग्री और सीडीओ 70 डिग्री, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड डीओसी डीसीओ और ओएबी। तो डीओसी को देखो, डीओसी देखते हैं क्या है, डीओसी इसको मानते हैं कौन, डीसीओ ये हो गया, इसको मानते हैं एंगल टू, ठीक है। और ओएबी इसको मानते हैं एंगल थ्री, हमें क्या निकालना है, एंगल वन एंगल टू और एंगल थ्री, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, अब हम बोलेंगे डीबी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, डीबी इज स्ट्रेट लाइन, एक लाइन है ना सीधा, जो कोई भी स्ट्रेट लाइन हो तो कितना एंगल बनाता है 180 डिग्री फ्रॉम लीनियर पेयर, 70 एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस बीओसी इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बोल दो, देखो बीओसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस लीनियर पेयर बोल सकते हो, लीनियर पेयर 180 माइनस 125, बीओसी तो हमको पता ही है 125, एंगल 1 प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें 1 चाहिए, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री, तो कैसे निकलेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू माइनस कर देते हैं, 180 में से 125 माइनस करेंगे कितना आएगा 55, हमें मिल गई डीओसी 55 डिग्री। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए डीसीओ 2। अब देखो इस ट्रायंगल में 70 इन ट्रायंगल डीओसी में हमको क्या क्या मिल गया, हमको ये 70 दिया हुआ है, एंगल डी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से होता है ना, किसी भी एंगल का तीनों साइड एंगल मिला करके 180 डिग्री होता है। तो एंगल डी कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, एंगल डी दिया हुआ है 70 डिग्री, एंगल 1 आई फाइंड किया हम 55 डिग्री, एंगल 2 हमको फाइंड करना है कितना, 125 डिग्री प्लस एंगल 2, एंगल 2 कितना हो गया 180 माइनस 125 डिग्री, कितना हो गया सेम 55, एंगल 2 55 डिग्री हो गया, एंगल 2 55 डिग्री हमें मिल गया, यहाँ पे डीसीओ मिल गया 55 डिग्री। इसी तरह हम निकालेंगे एंगल सीएबी, ये कैसे निकलेगा समझो,
जब कोई भी जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? जब कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी सिमिलर होते हैं, तो कितना हो जाएगा ये? देखो बच्चों, ये डी ओ सी और ए ओ बी दो सिमिलर ट्राइंगल है ना। ट्राइंगल डी ओ सी और ए ओ बी तो गिवन दिया हुआ है, तो जब दो सिमिलर ट्राइंगल तो करस्पॉन्डिंग उसके एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये जब 50 है एंगल 2, तो एंगल 3 भी 50 हो जाएगा। सो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल आर सिमिलर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल भी सिमिलर होता है, इसका 55 डिग्री हो गया। हमारे सारे एंगल मिल गए सब 55 डिग्री, एंगल डी ओ सी 55 डिग्री, एंगल डी सी ओ 55 डिग्री, एंगल ओ ए बी 55 डिग्री, ठीक है। थैंक यू।